शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूँ स्वाति पारसा और आज बनाने वाले हम व्रत के लिए एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बर्फी, सिंघाड़े के आटे की बर्फी। इसमें ना तो आपको कंडेंस मिल्क की ज़रूरत है, ना मावा की ज़रूरत है, ना ही मिल्क पाउडर की ज़रूरत है। सिर्फ आटा, सिंघाड़े का आटा और दूध से ही हम ये बर्फी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बर्फी बनती है ये और आपकी इम्यूनिटी को भी ये बढ़ा कर रखेगी। पूरे व्रत में आप बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने ये एक कटोरी भर के सिंघाड़े का आटा लिया है, ये करीब 150 ग्राम आटा है। तो गैस को मैं जला देती हूँ। तो सबसे पहले सिंघाड़े के आटे को हम थोड़ा भूंजेंगे, तो उसके लिए हम एक बड़ा चम्मच घी डाल देते हैं इसमें। तो घी हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे ये आटा और इसे चलाते रहना है। और फ्लेम जो है लो कर दीजिए, जले ना ये, और इसे चलाते रहिए। ये सिंघाड़े का आटा है, ये बाजार में अच्छे से आसानी से मिल जाता है और कई लोग इसे सूखा सिंघाड़ा मिल जाता है तो उसे घर पर भी इसका आटा बना लेते हैं। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम में भूनना है और ध्यान रखिए ज़्यादा कलर चेंज ना हो, हल्का सा बस इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी खुशबू आने लगती है बहुत अच्छी। तो बस इसे चलाते रहिए और भूनते रहिए इसे। और इसमें घी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये ज़्यादा घी को एब्जॉर्ब नहीं करता है सिंघाड़े का आटा। अच्छा भूंज गया है और अच्छी खुशबू आ रही है, तो इस स्टेज में हम इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। तो क्या है कि ये भी थोड़े से भुंजे हुए अच्छे लगेंगे। तो ये 6-7 काजू थे और 6-7 बादाम थे जो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, तो इनको भी मैं डाल देती हूँ, थोड़े से बचा लेती हूँ ऊपर से सजाने के लिए। और इसे बस थोड़ा सा हमें मिलाना है जिससे ये इसमें गर्म है कढ़ाई और इसमें अच्छे से भुन जाएगा ये। और फिर इसे हम निकाल लेंगे और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है और आटा हमारा बहुत अच्छा भुंज गया है। तो अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसे एकदम चम्मच को छोड़ना नहीं है आपको क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है। और इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये देखिए हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है और अब हमने उसी कढ़ाई में हम दूध डालेंगे। तो मैंने ये फुल क्रीम दूध लिया था, 0.5 लीटर दूध है ये। दूध ये पका हुआ है, इसे हम उबाल लेते हैं। फ्लेम कर दी मैंने हाई, तो दूध में उबाली आ गई। अब 1/4 कटोरी करीब हम ये शक्कर डाल देंगे इसमें और इसे चलाएंगे। फ्लेम चाहे तो आप मीडियम कर दीजिए, मीडियम फ्लेम में, और इसे चलाते रहिए। और इसे आधा करना है दूध को हमें उबाल के कि ये आधा हो जाए इसका। तो ये देखिए दूध 50% करीब कम हो गया। अब इलायची जो है, हरी इलायची छोटी वाली, 4-5 इलायची मैंने कूट के इसमें डाल दी है, इलायची पाउडर। और अब हम इसमें डाल देंगे ये जो आटा हमने भूंजा था, इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और फ्लेम जो है अभी आप लो ही रखिए, पहले इसे अच्छे से मिला लीजिए, उसके बाद आप मीडियम फ्लेम में भी कर सकते हैं गैस को। तो ये देखिए बस अब इसे चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है हमको, ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए जब तक इसे आपको चलाना है। तो ये देखिए सिंघाड़े का जो आटा हमने भूंजा था बनाया है ये, ये देखिए अभी इसका क्या है, ये हमारी कढ़ाई छोड़ने लगी है। तो ये मतलब ये तैयार है हमारी जमाने के लिए बर्फी। और अब जो ट्रे में हमने घी लगा लिया है उसमें हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ट्रे में हमने घी लगा लिया है अच्छे से और अब हम इसे निकाल लेते हैं। और जब भी आप इसे चेक करें कि ये हुआ है कि नहीं, तो इसे ऐसे गोली बना के ज़रूर देख लीजिए। ये देखिए ऐसे, तो ये बन रही है यानी जमने वाली कंसिस्टेंसी में है। इसे बराबर कर देते हैं। तो हमने अच्छे से इसको बराबर कर दिया है ये देखिए। और अब आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट से इसे सजा सकते हैं, आपकी इच्छा है। ये वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, इसे ज़रूर बना के ट्राई ज़रूर कीजिए एक बार और मुझे बताइए ज़रूर कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। और अब इसे हम थोड़ा थोड़ा दबा देते हैं ड्राई फ्रूट को,
इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये देखिए एक घंटा हो चुका है और ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो अब इसे हम काट लेते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो अभी तक आपको तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी जमी हुई है, ये देखिए बहुत अच्छी बनी है, इसे आप ज़रूर बनाइए। ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सिंघाड़े का आटा जो होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है, और गठिया रोग में भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। नियमित तौर पे इसे खाते रहना चाहिए, और डायबिटीज़ है जिन्हें वो चाहें तो एक पीस खा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो सिंघाड़े के आटे से पराठे रोटी भी बनाई जा सकती है व्रत में। ये देखिए बहुत अच्छा बना है, आप इसमें चीला भी बना सकते हैं इससे। तो तैयार है ये देखिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।